हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में दो बड़ी अपडेट देने वाले हैं। पहला अपडेट कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट प्राइवेट और पत्राचार वाले बच्चों के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उससे रिलेटेड है। एग्ज़ाम 25 अगस्त से स्टार्ट हो गए, 15 सितंबर तक चलेंगे और इसमें कई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास हो रहे हैं, स्पेशली 12th वाले स्टूडेंट के। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL को दाखिल किया है और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है इस केस पे। और हियरिंग से हियरिंग का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि जो पेपर एक दूसरे एक साथ क्लैश हो रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले और ये जो कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट प्राइवेट और पत्राचार वाले, तो इन दोनों एग्ज़ाम को क्लैश ना करके, वैसे एक्चुअल में एक ही दिन नहीं हो रहे, मतलब जैसे एक दिन ये वाला एग्ज़ाम है कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट प्राइवेट और पत्राचार वाले बच्चों का, तो अगले दिन जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है बच्चों का। तो ये दोनों पेपर देने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आएगी। पहले वो जो एक कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट प्राइवेट पत्राचार वाले बच्चे एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद उनको जस्ट जाना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस पे हैं, दोनों के बीच में काफ़ी सेपरेशन है, तो बच्चों को पेपर देने में बहुत दिक्कत आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है उनका पेपर छूट सकता है। इसी पे जो पिटिशनर है उसने इसी मुद्दे को रखा है कि किसी भी तरह से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है और ये जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं इनको थोड़ा सा गैप दिया जाए, बीच में दोनों के सेपरेशन रखा जाए, मतलब 2-3 दिन का स्पेस रखा जाए या 15 सितंबर के बाद कर दिया जाए। और जो सेकंड में अपडेट देने वाला हूँ वो बहुत बड़ी अपडेट है, वो जो PIL जिसने दाखिल की थी उसी ने इस मुद्दे को भी उठाया है। सेकंड जो मुद्दा है वो इस बारे में है कि बच्चों को अब कॉलेज कैसे मिलेंगे, क्योंकि उनके जो पेपर हैं वो 15 सितंबर के आसपास ख़त्म होंगे और रिजल्ट आएगा 30 सितंबर के आसपास। तब तक काफ़ी कॉलेजेस अपना एडमिशन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर चुके होंगे, तो इन बच्चों को कॉलेज में एडमिशन कौन देगा, जो 12th वाले बच्चे हैं कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट प्राइवेट और पत्राचार वाले बच्चों के लिए। इसीलिए उन्होंने PIL दाखिल करते हुए पिटिशनर ने बोला कि इन बच्चों को थोड़ा एश्योरेंस दिया जाए कि अगर इनका पहले एडमिशन ले लो और बाद में जब इनका रिजल्ट आ जाए फिर उसके बेसिस पे इनको एडमिशन दे देना, जिससे इन बच्चों की थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी और ये सिक्योर हो जाएंगे। अगर इनके नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं या उस क्राइटेरिया में फिट बैठ जाते हैं जो क्राइटेरिया कॉलेज का है, तो उसके अकॉर्डिंग एडमिशन दे देना, फिर नहीं तो मत देना, लेकिन बच्चों को पहले एडमिशन मिल जाना चाहिए, ये पिटिशनर ने बोला है।